लिए भटक रहे हैं लोग। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित आधार केंद्र पर आधार बनवाने के लिए लोग सुबह से ही पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें घंटों लाइन में लगने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा ही वाक्य हुआ आज सुबह, जब कई सारे लोग सुबह आकर आधार केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन वहां काम करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, ना ही ये बताने वाला कोई था कि आज आधार केंद्र खुलेगा या नहीं। दोपहर तक ये लोग लगे रहे, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि जब आधार केंद्र को आज खुलना ही नहीं था तो नोटिस पर लिख दिया जाता, हम ऐसे लाइन में तो नहीं लगे रहते। आधार पहचान आधार के लिए समस्या आ रही है। सुबह 5 बजे आते हैं, लाइन में लग जाते हैं 9-10 बजे तक, उसके बाद में बोलते हैं जाओ घर, आपका आधार नहीं बनेगा। हम कम से कम 15 दिन से आ रहे हैं डेली, और यही समस्या आ रही है। क्यों नहीं बनेगा? पहले से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। क्यों नहीं बनेगा? कलेक्टर साहब के पास गए थे, वो छुट्टी पे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बात करी तो क्या बोलने लगे? अभी गए थे लेडी से, सब लोग बात करी थी तो कोई जवाब नहीं आया, बोलो ना मिले नहीं। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आधार नहीं बनने से? आधार बनने से कोई बैंकिंग प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी समस्या आ रही है। मतलब सारी पूरी फैमिली परेशान है कुल मिला के। बैंक अकाउंट पैन कार्ड नहीं बन रहा, कुछ पैन कार्ड नहीं बन रहा है, बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज आए सुबह 5 बजे लाइन में लगे, 9-10 बजे तक, 11 बजे तक लाइन लगे, खाना भी नहीं खाया, सुबह से भूखे हैं, चाय भी नहीं पिया। आज आप लोगों ने क्या किया? आके कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे ऐसे ही लाइन में, धक्के मुक्के खाते रहे, परेशान होते। चक्का जाम भी किया है क्या? हाँ, रोड जाम किया, चक्का जाम किया, तब भी कोई सुनवाई नहीं।